उत्तम गार्डन कॉलोनी मनवाल के लोगों की ओर से रोष प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि उनकी गली पिछले लंबे समय से नहीं बनी है, जबकि अन्य गांव की गलियां बन गई हैं। उन्होंने कहा कि इस पक्षपात के चलते उन्हें दिक्कत है और उनका कहना है कि उनकी गलियों को भी जल्द से जल्द बनाया जाए। मेरा नाम विजय कुमार है जी, मैं उत्तम गार्डन कॉलोनी का निवासी हूं, रहने वाला, ते मैं एक्स इंडियन आर्मी सोल्जर हैं और मैं पिछले 10 साल तो इतने रह रहा, 2011 तो मैं रह रहे थे और अज तक मतलब काफ़ी रिक्वेस्ट की है। मैं अंकल जी होने नाल भी बब्बू साहब को भी मिल वास्ते 2 बारी गए आप पिछले 3-4 साल ची, और जो नवे बने सरपंच साहब है उन्होंने भी काफ़ी बार रिक्वेस्ट की है कि मतलब तुम गली का कुछ सोचो, क्योंकि साढ़े छोटे छोटे बच्चे है जो कि मतलब जब बारिश वगैरह होंगी है तो मतलब काफ़ी इतने पानी इस तरह चलता है कि मतलब कह नहीं सकते, आर पार लंघना मुश्किल हो जाता। और दूसरी गल यह है कि मतलब इस तरह का, और ईवन के इतने एक लाइट तक नहीं इन्होंने मतलब लगा रखी, स्ट्रीट लाइट वगैरह अगर के कोई मतलब नालियां तक अही खुद बनवाई है, और गली भी जो बनी थी नजर आ रही है। तो फिर साहब सीधा वोटां दा बाईकाट करांगे, साडे को होर कोई अहीं ऑप्शन ही नहीं है, होर कोई साडे को अहीं ते रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। तो इस करके साडी फिर हाथ जोड़ के बेनती हैगी है कि मतलब साडे गली बनाई जाए और मतलब साडे परिवार नूं भी थोड़ा जिहा सुविधा मिले। मैं सर दीपक जोशी, उत्तम गार्डन कलोनी का निवासी, मैं इधर पिछले 12-13 साल तो रह रहा, तो पिछले 3 सरपंच चेंज हो गए है ना। साड़ी एक छोटी जी रिक्वेस्ट ही कि अपनी यह गली बननी चाहिए, ठीक है ना। नॉर्मल एक हर बंदे का रहता है, तो किसी भी सरकार ने किसी भी सरपंच ने हाड़ी सुनी नहीं है ना। अही इवन एक बारी रिक्वेस्ट उपर सेंटर नूं भी पाई ही, तो वो अगेंस्ट SDO साहब तो सरपंच साहब जेडे अपने नवे चुने गए ही मैडम पूजा है ने इतने है ना, तो वो आए सी तो कहते अपनी रिक्वेस्ट वापस ले लो, तो अं 6 महीने के अंदर अंदर ताड़ी गली बना देंगे है ना। तो असी उन्होंने कहन के उत्ते अपनी रिक्वेस्ट वापस ले ली कि चलो इन्हों हजे 1.5-2 महीने हुए हैं, इन्हों मौका मिलना चाहिए। बट उस तो बाद हूँ 3 साल हो गए भाजी, हजे भी ये गली एज इट ही है। तुम देख सकते हो इतने किन्ना झाड़ है ना, बारिश आज छप्पड़ लग जाता इतने, और ईवनिंग तो निकल ही नहीं सकते शाम के टाइम। इस गली नू 4 घर है जबकि 3-4 प्लॉट है, कोई भी आना नहीं चाहता, कहते कि जिन्ना चर गली नहीं बनेगी अं की करा इतने। वोटां दीआं पर्चियां आंदियां बिल्कुल आंदियां घर है ना, वोट कह के इन्होंने ले साडे तों कि अं तुहाडे काम करवावांगे जिहड़े पेंडिंग हैगे। ये 12 साल हो गए सर सानू इत्थे रहिंदे सारिआं नूं। एक गली अं आप बनवाई दी है, एक गली दी जिहड़ी ईवन पानी की पाइप है तुसीं देख सकते हो 400 फुट का एरिया है, ए 3-4 बारी पाइपां पवा चुके हैं, क्योंकि कई बार ट्रक अंदर आ जाता ही, कभी कुछ हो जाता ही तो पाइप टूट जाती, हर बारी अं पे किया खुद है ना। अं ईवन इतों तक इन्हों कहता कि तुम थोड़ा जहा हेल्प मतलब साड़ी करो, अं बाकी तारी मदद करने तैयार हैं, बट वो सुनने तैयार नहीं साड़ी। मेरी हाँ इधर के जोड़े MLA अपने बब्बू जी ने उन्होंने भी गल हुई, मेरी कल भी उन्होंने गल हुई है, तो उन्होंने फिर यही कि 2-4 महीने का टाइम दो। तो मैं तो उन्होंने कहा, मैं क्या सर अपना 13 साल तो हो गए सानू, कहिंदे तुहानू 12-13 साल है ना, तो हुण होर किन्नी वारी तुहानू, मैं तो तुहाडे कोल घर भी आ के आपां सारे महल्ले वाले गए ही उन्हां को कि सर ये काम जरूरी हैगा करवाओ, बच्चे शाम के टाइम निकल नहीं सकते या लेडीज़ निकल ही नहीं सकदियां, एक्टिवा निकालनियां ईवन वो भी नहीं निकलदी है ना, तो हजे तक तो कोई सुनवाई नहीं है सर। जिला पठानकोट का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल व कॉलेज, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध, डेडिकेटेड कोरोना वार्ड, एक्सपीरियंस्ड स्टाफ, व्हाइट मेडिकल कॉलेज भोंगल नियर DLM रिसोर्ट पठानकोट। फास्टवे पठानकोट की हर खबर को सोशल मीडिया पर देखने के लिए आप फास्टवे न्यूज पठानकोट के यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और फास्टवे न्यूज पठानकोट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।